तो हेलो गाइस, वेलकम। तो आप देख पा रहे हैं, ये मेरा जो है होममेड डीसी कटर मशीन है जो कि मैंने बनाया था। ये जो मोटर देख पा रहे हैं, ये मोटर है ट्रिमर का, जो कि 150 का ट्रिमर जो आता है नॉर्मली, वो ट्रिमर का ये मोटर है। ठीक है, ये कितना 180 ना कितना बोलते हैं डीसी मोटर, ठीक है वही मोटर है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है एल्युमिनियम का जो है, ये मेटल है एल्युमिनियम का। और आप देख पा रहे हैं, ये जो एक घड़ी क्लॉक था वॉच, ठीक है इसी का जो ये प्लेट है, ठीक है आप देख पा रहे हैं बहुत ही पतला एल्युमिनियम का है। ठीक है, और इसमें मैंने यहाँ पे फिट कर दिया एक स्विच, ठीक है यहाँ से इसका एक पॉइंट से और एक पेंट और एक पॉइंट मेरा मोटर का डायरेक्ट निकला हुआ है, और एक दूसरा स्विच के कनेक्शन से मैंने यहाँ पे निकाल लिए इस वायर को। ठीक है, और ये जो है होममेड पीवीसी वीसी पाइप वाइप काटने का बहुत ही ज़्यादा वर्क आता है, बहुत ही ज़्यादा काम आता है कि हमें कुछ प्लास्टिक का हो पाइप हो काटना रहता है। ठीक है, छोटा छोटा डिज़ाइन होल करना रहता है या फिर काटना रहता है छोटे छोटे पीस में। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैंने इसे छोटा सा, मैंने कितना अच्छा सा ये इसे ड्रिल जैसा जो है इसे कटिंग मशीन बनाए हैं। ठीक है, और चलिए मैं इसे आप टेस्ट करके दिखाता हूँ। और ये इसे आप 12 वोल्ट से रन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं जब आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये रन करता, कैसे कुछ काट पाता है कि नहीं काट पाता है। ठीक है, और नहीं काट पाएगा तो भी मैं बताऊँगा कि नहीं काट रहा, फेक कोई भी मैं फेक नहीं डालूँगा। कुछ पे रियल है, नहीं कटेगा तो बोल देंगे कि ये नहीं कट रहा, ये कट रहा, वो कट रहा। ठीक है, और अगर आप इसे बनाना चाहते हो, फुल वीडियो देखना चाहते हो इसका, तो इसको एम कुमार टेक्निकल में आपको मिल जाएगा इसका पूरा पूरा वीडियो, फुल वीडियो। ठीक है, तो चलिए मैं एक कुछ अब इसमें पहले कनेक्शन देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका कनेक्शन दे देता हूँ। तो अब देख पा रहे, ये मेरा वायर डीसी वायर है, आप एसी मत दीजिएगा, डीसी वोल्ट यानी कि बैटरी का पावर हम इसमें देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर दिए हैं कनेक्ट अच्छे से। ठीक है, और चलिए मैं कुछ यहाँ पे कट करूँगा, जैसे कि सबसे नॉर्मली सबसे आसान जो कि कट करना है आपको दिखा रहे हैं। पेपर वेपर तो मेरे पास सभी फिलहाल नहीं है, तो चलो मैं पीवीसी पाइप ही काट के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब देख पा रहे इतना छोटा छोटा मेरे पास कट पीस है, अरे आ जाओ यार इधर। ठीक है, तो अब देख पा रहे इतना छोटा छोटा कट पीस है, जो कि इसका पतला कितना सा इसका जो है एमएम का पतला आप देख पा रहे, बहुत पतला सा ही। ठीक है, लेकिन पीवीसी पाइप का ही ये कटा हुआ पीस है जो कि मैंने यहाँ पे इसे सेट किए थे, वही चीज़ है ये, है ना, यहाँ पे था इस तरह से, इसी का कट पीस है। तो चलिए मैं अब इसे स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले तो इसे स्टार्ट कर लूँ, है ना, ये रन कर रहा कि नहीं घूम रहा, तो चलिए मैं रन करता हूँ। तो गाइस आप देख पा रहे कितना फास्ट कितना स्मूथ घूम रहा है ना। अब चलो मैं इसे काट के देखता हूँ क्या कट पाएगा कि नहीं कट पाएगा। आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपने क्या सोचा था कि कटेगा कि नहीं। ठीक है, तो चलो मैं काटता हूँ अब। तो गाइस आप देख पा रहे कितना मस्त ये कट गया, एक बार मैं देखता हूँ किधर से रन कर रहा हूँ। अच्छा इधर से रन कर रहा ना, मेरा इधर से रन करता तो और अच्छा होता। तो चलिए मैं इधर से रन करने के लिए से चेंज कर देते हैं इसको, तो इसको इधर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको इधर कनेक्ट कर देता हूँ, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ ताकि और अच्छा से ये अच्छा। तो दोनों से सेम ही है लेकिन थोड़ा अलग लगता है ना, ब्लेड मेरा इधर से घूमता है ना इधर से, ठीक है तो कुछ अच्छा लगता है कि चलो मतलब कटता है अच्छे से। ठीक है, ताकि इधर से मेरा इधर से रन करेगा तो जो मेरा कटेगा वो मेरे आँखों में आके लगेगा। ठीक है, और इधर से जो रन होगा तो वो आगे की तरफ जाएगा कट के, तो इसीलिए मैं इधर से रन कर रहा हूँ। ठीक है, ये समझ जाना। तो चलिए अब फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो इस तरह से पीवीसी पाइप को आसानी से लगता है मेरा इसमें बैटरी डाउन हो गया, इसलिए हल्का सा ये कट नहीं पा रहा है ना।
लेकिन इसे काट दे रहा आसानी से। और कोई मेरे पास कुछ बस पीवीसी का टुकड़ा ही मेरे पास और कुछ नहीं है ना। तो ये छोटे मोटे जो पीवीसी पाइप का है आपको कट भी सब कटिंग करना चाहते हो तो ये अच्छे से काट देगा, ठीक है। तो ये अच्छे से काट देगा लेकिन इसमें जो है मेरा पावर वोल्ट कम है, ठीक है, वोल्टेज कम इसलिए नहीं काट पा। आप एम कुमार टेक्निकल पे जाओगे तो ये और भी रन स्पीड कर रहा था, रनिंग चल रहा था, ठीक है, आप देख सकते हो। चलिए मैं और बात करूंगा ये कि मैंने किस तरह बनाया है, इसे भी आपको एम कुमार टेक्निकल में मिल जाएगा। और ये तो ब्लेड एलुमिनियम का है, आप स्टील का लगा हो तो और हेवी कटेगा, ठीक है। तो चलो मैं एक आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक स्टील का भी बनाया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई सब देख पा रहे हैं ये स्टील का है ना, ये मेरा ब्लेड शो जो है स्टील का है और मैंने इसे खुद से बनाए थे, ठीक है। और ये भी मैंने एम कुमार टेक्निकल पे भी पोस्ट कर दिया हूँ कैसे बनाए थे, ठीक है। और ये जो देख पा रहे हैं आप क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ क्या है। तो ये जो चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है गाइस एक वॉच का जो कैप है, घड़ी का जो है कैप, आप देख पा रहे हैं वही चीज़ घड़ी का कैप है जो कि स्टील का है, उसी से मैंने इसे इस तरह का मैंने बनाया था, आपको तो पता ही है। और एक की जो कि आयरन काटने के लिए, ठीक है, उसी चीज़ से मैंने इसे किए थे, ठीक है, इसे कट 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 कर करके इसे इस तरह से बनाए थे। और इसे भी आप लगा के यहाँ पे इस तरह से रन करके कटवा सकते हो, ठीक है, नहीं सब कुछ काट देगा ये, ठीक है। तो ये स्टील है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, ये तो एलुमिनियम है, ये बैंड हो जाएगा लेकिन ये बैंड नहीं होगा क्योंकि ये जो है स्टील का है। आप देख पा रहे हैं कितना मजबूत है, कितना धार है इसमें, ठीक है। तो ये भी आपको, ये भी बनाना चाहते हो आप तो एम कुमार टेक्निकल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और ये डिवाइस भी। तो वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।